ये बिट नंबर 7 है, ये बिट नंबर 7 है। इस बिट में आपको मैच करना है और इंशाल्लाह इन दो पोयम के ही मैच द फॉलोइंग आएंगे, जिसका आपको सही तरीके से पहचानना है कि किस वर्ष के साथ कौन सा वर्ष मैच होता है और सच और सही क्या है, आपको पहचानना है। इन दो पोयम में से ही कोई एक आएगा। इन दो पोयम में से मैं आपको यह बता दूं, फर्स्ट जो पोयम है अन्नजम, इसमें भी मैच द फॉलोइंग है, और सेकंड जो पोयम है हयाती, इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। लेकिन एक हिंट, एक तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पहचानना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पोएम के बारे में वो हिंट मैं आपको बता सकता हूं। सेकंड पोएम के बारे में कोई हिंट मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर आपके कोई उस्ताद मोहतरम ने बताया है तो बहुत अच्छा है, उसकी मुझे भी इतला कर दे तो और ज्यादा मुनासिब होगा। मैं आपको फर्स्ट पोएम के हिंट आपको बताऊंगा। देखिए, हर वर्ष का लास्ट दो लेटर, हर वर्ष का लास्ट दो लेटर देखना है। लास्ट दो लेटर बराबर बराबर है, जैसे यहां पे तो गलत है, आपको सही यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी और फोर्थ डी। अब यहां पे देखिए, तजहरु, लास्ट हा और रा, इसका जो सही करेक्ट वर्ड है लास्ट हा और रा, और सेकंड इसका लास्ट दो लेटर है दाल और या, और इसका भी लास्ट लेटर है दाल और या। थर्ड वन, इसके लास्ट दो लेटर है अलिफ और हमजा, इसका जो आंसर सही करेक्ट इसका जो वर्स है उसके भी लास्ट में जो लास्ट दो लेटर है अलिफ और हमजा। और फोर्थ वन, इसके जो लास्ट लेटर है या और रा, और इसका सही जो आंसर है इसका भी लास्ट लेटर है या और रा। अब आप आसानी से मैच कर सकते हैं, ना आपको तर्जुमे की जरूरत, ना आपको परेशानी उठाने की जरूरत, बल्कि आप लास्ट लेटर देखें, हा और रा है तो इसके आंसर में भी हा और रा, दा और या है तो इसके लास्ट लेटर में भी। देखिए यहां पे फी ज़लामिल लैल तज़हरु, हा और रा, तो आप देखिए हा और रा कहां है, यहां पे हा और रा, तो ये फर्स्ट वन है। और सेकेंड वन दा और या, देखिए दाल और या, ये सेकेंड का आंसर है। थर्ड वन अलिफ और हमजा, देखिए अलिफ और हमजा कहां है, यहां है, तो ये थर्ड का आंसर। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह मैच कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अफसोस के इस सेकेंड पोयम के मैच द फॉलोइंग में कोई हिंट और कोई तरीका मुझे मालूम नहीं हो सका जिसके जरिए से आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बताया जाएगा, लेकिन आप ये याद कर लो। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये फर्स्ट ही आएगा, अगर सेकंड भी आ जाए तो आप थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिए और याद कर लीजिए और आंसर लिखिए। ये थी आपकी बिट नंबर 7, जिसमें आपको मैच करना है